मंच पर विराजमान हम सब के नेता, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और करोड़ों कार्यकर्ताओं की इस प्रदेश के वासियों की तकदीर बदली है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान है। आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार ढंग से उनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर के अध्यक्ष आदरणीय विकास चौहान जी, जिले के प्रभारी, प्रदेश के मंत्री, जनपद बुलंदशहर के प्रभारी आदरणीय अरुण सक्सेना जी, मंच पर विराजमान महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद आदरणीय बहन गीता साक्य जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री माननीय सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, मंच पर उपस्थित गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, बुलंदशहर के सांसद आदरणीय भोला सिंह जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अंतुल तेवतिया जी, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, प्रदेश के मंत्री अमित वाल्मीकि जी, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, बहन वर्षा कौशिक जी, सदर के विधायक प्रदीप चौधरी जी, शिकारपुर के विधायक अनिल शर्मा जी, खुर्जा की माननीय विधायक श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, अनूपशहर के विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी, बुलंद स्याना के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी, डिवाई के विधायक आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी, सिकंदराबाद के विधायक आदरणीय लक्ष्मीराज सिंह जी, सम्मानित विधान परिषद के सदस्य नरेंद्र भाटी जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, इस शहर की सम्मानित चेयरमैन दीप्ति मित्तल जी, इस सभागार में आज के इस कार्यक्रम में पधारी मेरी सम्मानित बहनें, आपके यहाँ इस आगमन पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शीश झुकाकर आपको वंदन करता हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस महिला सम्मेलन को संबोधित करने आए हैं। इस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया जाता था, इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर बताया जाता था और बताया नहीं जाता था, वो थी। इस उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहां की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है उसका श्रेय यदि जाता है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से इस महिला सम्मेलन में पधारने का हम सब पर कृतार्थ किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू किया है उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन के लिए आए। उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज जिस संत को गोरक्षपीठ के संत के रूप में कन्या पूजन करते हुए आप टेलीविजन पर देखते हैं
आज आपके सम्मान में प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिभावक बनकर एक आपके संरक्षक बनकर आपका सम्मान करने इस धरती पर बुलंदशहर की इस माटी पर आपके बीच पधारे हैं। सभी बहनों से एक बार हाथ उठाकर मां योगी जी का अभिनंदन करें, ऐसे मुख्यमंत्री अभिभावक आपके संरक्षक का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी, भाई भोला सिंह जी, भाई हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन गीता जी और अरुण सर जी मंत्री, सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत चेयरमैनगण, सभी की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया है, उत्तर प्रदेश का भविष्य बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य ना होकर एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुका है और जिसका श्रेय अगर जाता है कानून व्यवस्था सुधार और महिलाओं के संरक्षण और महिलाओं के जिस तरह से उन्नयन के बात हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है कि आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें सम्मान से, गर्व से सिर ऊंचा कर चलती हैं। आज बेटियां स्कूल जाने में कतराती थी, स्कूल जाने के बाद छोड़ देती थी, शाम के टाइम गाल और जाने से डरते थे माँ बाप। आज एक ऐसा माहौल देश में नहीं, चुनाव प्रचार में जब हम जाते हैं देश के कोने कोने में, वहां से मांग आती है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को हमारे राज्य में भी भेज दो। और तो और विश्व के लोग भी आज ऐसे प्रशासक की, ऐसे अभिभावक की मांग करने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्षेत्र की बेटियां, ये क्षेत्र की बहनें आपको ये विश्वास दिलाती हैं, देश की आधी आबादी आपके और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी के साथ मिलकर देश को नई ऊंचाइयों तक, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी और आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश आज नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर है। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए और पूरी मातृशक्ति और क्षेत्रवासियों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में पूरा प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा और मातृशक्ति की जब ये आधी आबादी आगे साथ चलेगी तो हम दुगनी गति से हम इस विकास की यात्रा को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के लिए आए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देने का काम पिछले 6 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में देने का काम किया है, ऐसे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, इस प्रदेश की महिला मोर्चे की सम्मानित अध्यक्ष, मेरे साथ राज्यसभा की सांसद बहन गीता शाक्य जी, हमारे बीच उपस्थित इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय अरुण सक्सेना जी, यहां उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, विधायक मीनाक्षी सिंह जी, बसंत त्यागी जी, सम्मानित विधायक अनिल शर्मा जी, विधायक लक्ष्मीराज जी, सीपी सिंह जी, हमारे सम्मानित बाकी विधायकगण, बुलंदशहर के प्रदीप जी, इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद भोला सिंह जी, मंचा सिंह, सभी नेतागण उपस्थित यहां हजारों की संख्या में आई हुई मातृशक्ति, मैं आज महाराज जी का
इस उपस्थित मातृशक्ति के इस जनसमूह के साथ इस बुलंदशहर की पावन भूमि पर आदरणीय महाराज जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय महाराज जी, मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ 2009 से 2014 तक लोकसभा में रहने का मुझे मौका मिला और आप भी उसके साक्षी हैं कि इस देश में महिला आरक्षण को लेकर जब जब वो बिल लोकसभा में लाया गया उस बिल को रोकने पर कांग्रेस और उनकी अन्य जो दल थे क्षेत्रीय दल उन्होंने इस महिला आरक्षण बिल को पास करने में हमेशा अड़ंगा लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के आरक्षण के बिल का समर्थन किया लेकिन लंबे समय तक यह महिला आरक्षण का बिल इस देश में राजनीति का मुद्दा तो रहा लेकिन महिलाओं को अधिकार देने की नीयत कभी किसी की नहीं रही। हम सौभाग्यशाली इस देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मिली, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मिली कि जो सपना लंबे समय तक इस मातृशक्ति का था, देश की आधी आबादी का था कि लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा, वो बिल इस लोकसभा के विशेष सत्र में पास हुआ और हमारी मातृशक्ति को इस देश की लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण देने का काम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस देश और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय महाराज जी, 2016 में मैं एक उदाहरण अपने इस जनपद का आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका मैं खुद साक्षी हूं। 2016 में एक कॉलेज हम मेरे पिताजी के नाम से गुलावटी में चलता है, मेरी पत्नी उसकी देखभाल करती है। 2016 में एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत परेशानी आ रही है, बड़ी संख्या में लड़कियां वहां पढ़ती। मैंने पूछा कि क्या समस्या आ रही है, बोले जब लड़कियां कॉलेज की छुट्टी होती है तो लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। और उस समय मैंने उस समय बात भी की लेकिन वो सुरक्षा का भाव नहीं आ पाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि 2017 में इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, योगी जी को उत्तर प्रदेश का नेतृत्व दिया और महाराज जी 2017 के बाद 6 महीने बाद मुझे उस कॉलेज में जाने का जब मौका मिला तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि अब तो कोई परेशानी नहीं है या पहले की तरह परेशानी है, तो बस मेरी पत्नी ने एक बात कही थी महाराज जी कि अब योगी जी आ गए, अब महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये माहौल आपने देने का काम पिछले 6 वर्षों में आपकी सरकार ने देने का काम किया है। मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए आपने जो 750 करोड़ की योजनाएं आज यहां दी हैं उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस प्रदेश यहां इस जनपद की महिलाओं की ओर से एक बार आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए और एक चीज कहते हुए कि कल मैं देख रहा था राजस्थान में बाबा बालकनाथ जी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उन्होंने आपका जो मॉडल है बुलडोजर मॉडल उसकी छाप देखने को वहां मिली। उन्होंने जब अपने क्षेत्र में पहली बार गए तो वो बुलडोजर में गए थे, बुलडोजर लेके गए थे। ये सुरक्षा का भाव, आपका बुलडोजर मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और यहाँ पर जो भीड़ एकत्रित है और खास तौर से जो हमारी नारी शक्ति है उसमें जोश की कमी दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का हमारी तालियां ही सबसे बड़ा माध्यम है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, अपना धन्यवाद जो है वो तालियों के माध्यम से दें। आप सभी मातृशक्ति से बहनों के अनुरोध है। और अब पूछा आ गया है
तैयबा बेगम तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करें। श्रीमती स्वाति मित्तल स्वरोजगार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इन्हें चेक दिया जा रहा है। कोमल नमिषा मलिक आपको स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण किया जा रहा है। जोरदार तालियां, तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। श्रीमती वर्षा देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको चाबी प्रदान की जा रही है। मैनास आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और सविता आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी वितरण किया जा रहा है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर जो सभी महिलाएं हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने और शारदीय नवरात्रि की इस तृतीय तिथि को मां गंगा के तट पर स्थित अपनी कला और अपनी कारीगरी के विख्यात जनपद भुवनेश्वर के नारी शक्ति के वर्तन के लिए अभिनंदन के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष और राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, श्रीमित वाल्मीकि जी, श्री बसंत त्यागी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तवतिया जी, माननीय विधायक गण श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में MLC श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी गण और भारी संख्या में बुलंदशहर के सभी उपस्थित बहने आज एक ओर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहनें यहां एकत्र हुई हैं, वही नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं।
इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे, भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के ही सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं और साथ साथ सरकारी नौकरी भी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए अगर प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को बचाने की मुहिम और उनको पढ़ाने की मुहिम, फिर खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते, फिर फिट इंडिया कार्यक्रम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, क्या इन बेटियों को इतना सम्मान मिल पाता? क्या वे आगे बढ़ पाती? और केवल यहीं पे नहीं, याद करिए पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी, 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे।
आखिर माताओं के लिए पहले कनेक्शन नहीं मिलता था, 14 के पहले रसोई गैस की कितनी किल्लत भी किसी से नहीं छुपा हुआ है, लेकिन अब तो जब मर्जी तब कनेक्शन ले लो और गरीब परिवारों को तो फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद रसोई गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिला है। और उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है, जिसमें 1,75,00,000 बहनें और माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देश के अंदर याद करिए कि देश के अंदर लगभग 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, इससे पहले योजनाएं क्यों नहीं मिलती थी? नारी गरिमा के प्रतीक, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है। आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर हर उस गरीब परिवार को जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए कल्याणकारी कारक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण थी, पहली बार आजादी के बाद पहली बार वे योजनाएं लागू हुई और उन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रभावी ढंग से इस सरकार ने लागू किया है, भाजपा की सरकार ने लागू किया है। और उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं स्वयं बुलंदशहर में आया हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं वर्तमान में हमने मिशन शक्ति के 4th संस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मिशन शक्ति का यह 4th संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए, उनके सम्मान को विवृद्धि करते हुए, उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक ओर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर गांव पंचायत में, नगर
मैं वार्ड स्तर पर स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, रोजगार का सृजन होता है, खुशहाली आती है, अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है, और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना का। जनवरी में अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के में रामलला विराजमान होंगे, तो राम राज्य की तो आधारशिला पहले सुरक्षा से ही शुरू होती है, ये शुरुआत वहीं से शुरू होती है, और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, अगर सुरक्षा है तो विकास भी आगे बढ़ता है, सुरक्षा है तो निवेश भी आगे बढ़ता है, सुरक्षा है तो रोजगार का सृजन भी होता है। कोई सोचता था बुलंदशहर में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई, सर्वे कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके सी बुलंदशहर में हो रही है और उन्हीं के नाम पर हो रही है। ये कोई सोचता था बुलंदशहर के ही बगल में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है। अब आपको फिल्म सिटी के लिए मुंबई या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि फिल्में यहीं पे बनेंगी, यहीं के कलाकारों को एक मंच मिलेगा और कला को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ये भी रोजगार का एक साधन होगा। कोई सोचता था जहां पहले गुंडा टैक्स वसूली होता था, आज वहां पे बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं, और यह सभी कार्यक्रम अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जन मेहनत करते हैं, शासन के पास योजनाओं को भेजते हैं, डबल इंजन की सरकार सामूहिक रूप से प्रयास करती है, तब योजना सामने आती है और उसका लाभ हरेक स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देता है, और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये योजनाएं जो आज यहां लागू हो रही है, चिकित्सा और स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, आवास की है, सड़क से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिससे लाभ होना है, ऐसे 700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको इस बात के लिए बधाई देने के लिए आए हैं कि नारी बंधन अधिनियम इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश की संसद में वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि अधिनियम पारित होगा, अब बहनों को पंचायत की तरह, स्थानीय निकाय की तरह विधानसभा और लोकसभा में भी एक तिहाई सीटों पर अतिरिक्त विजयी बनने का और चुनकर जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आप में से अगली बार तो बहुत सारी बहनें ऐसे होंगी जब इसमें पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी होने और परिसीमन होने के बाद
बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो विधानसभा में विधायक के रूप में और संसद में सांसद के रूप में चुन करके जाएंगी। भाइयों बहनों, इसके लिए अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिन्होंने आधी आबादी के सम्मान को और उनकी गरिमा को बनाए रखने में इस अधिनियम को पुरजोर तरीके से लग करके आपका सम्मान बढ़ाया है, आपकी गरिमा को बढ़ाया है और लगातार 9.5 वर्ष से जो इस अभियान के साथ लगे हैं कि योजनाओं पर व्यक्ति नहीं, जाति और मत और मजहब नहीं, बल्कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। आखिर बताइए ना, एक बेटी की कौन जाति होती है, एक बहन की कौन जाति होती है, एक गरीब माता की कौन जाति होती है? वह तो सबकी है, सबके प्रति उसका वात्सल्य है, सबके प्रति सम्मान रूप से उसका स्नेह प्राप्त होता है। इसलिए इसको जाति के दायरे में बांट करके नहीं, जो लोग नारी गरिमा और सम्मान पर सेंध लगाते थे वही इसको बांटने का कार्य करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने कहा, नहीं बहन बेटी और माँ को बांटो मत, उसका स्नेह समान रूप से प्राप्त होता है और उसे समान रूप से आगे बढ़ने, उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। जिस दिन नारी गरिमा की रक्षा हो जाएगी, अपने आप निवेश आ जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप ही रोजगार का सृजन भी हो जाएगा। और वही परंपरा जो आपने यूपी के अंदर देखी होगी, आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था, यहां तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त, अब दंगा नहीं होता यूपी में, अब यूपी में दंगा समाप्त, दंगाई गले में तक चलते हैं, जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि जब मातृशक्ति जागृत होगी तो महाकाली मां लक्ष्मी मां सरस्वती स्वरूप में समाज को दर्शन, और यही रूप नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए